बक्सर पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर एक बड़े लूटकांड के मामले का उद्भेदन कर लिया है। दरअसल बक्सर पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया लूटकांड के 4 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने बैंक से लूटे हुए 15,000 नकदी और एक हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 4 मोबाइल और उस लाल रंग की टी शर्ट को भी बरामद किया है जिसे पहनकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। दरअसल यह लाल टी शर्ट भी पुलिस के लिए जांच के क्रम में एक बड़ा हथियार साबित हुआ। दरअसल अपराधियों ने बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मदह स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। बाइक पर सवार 8 की संख्या में अपराधियों ने अचानक बैंक के अंदर घुसकर कर्मियों को बंधक बना लिया और फिर बड़ी ही आसानी से 4,61,600 रुपये लूट कर अपराधी फरार हो गए। अभी पिछले दिनों बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा स्थित PNB शाखा में अपराधियों ने 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था जिसकी जांच पुलिस कर ही रही थी। इसी बीच एक और बैंक की लूट बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। घटना संज्ञान में आने के बाद मौके पर पहुंचकर बक्सर SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने घटना की जानकारी ली और मामले के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम में बक्सर और डुमराव के दोनों DSP और लगभग 10 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों के साथ DIO की टीम को शामिल किया गया। घटना के एक हफ्ता के अंदर ही पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए बक्सर SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य 4 अपराधियों की तलाश जारी है। SP के मुताबिक यह अंतर जिला स्तर का गिरोह है जिसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार 4 अपराधियों में से एक अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ मुफस्सिल और डुमराव थाने में लगभग 5 मामले दर्ज हैं। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदा गांव का रहने वाला सुनील राजभर ही वह मास्टरमाइंड था जिसने स्थानीय तौर पर इस पूरे लूट कांड को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। महदा स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में एक बैंक डकैती हुई थी जिसमें बक्सर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मामले का उद्भेदन कर लिया गया है और उनमें से जो 4 अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन अपराधकर्मियों ने अपनी अपराध में संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास से लूटे गए 15,000 रुपया और देसी कट्टा, एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया है और घटना के समय जो ये लोग कपड़ा पहने हुए थे तो कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं और इसके अतिरिक्त 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इनके और भी सहकर्मी हैं, उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ये जो गैंग था वो एक लोकल प्लस दूसरे डिस्ट्रिक्ट दोनों का मिक्सअप था। बक्सर ज़िले के भी कुछ लोग थे और रोहतास ज़िले से भी कुछ लोग थे। तो लगातार हमारी टीम के द्वारा मेहनत करते हुए इसमें पूरे मामले को उद्घाटन कर लिया। हालांकि शक के आधार पर लगभग 10 अपराधकर्मियों को, पूर्व अपराधकर्मियों को उठाया गया था और लगातार उसमें वेरिफिकेशन चल रहा था और उसके बाद हमारा ये उद्घाटन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज बक्सर।